तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर जी हिंदुस्तान पर। कश्मीर में आज जीडीसी चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसकी अपडेट जी हिंदुस्तान सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। 20 जिलों की 280 सीटों में नतीजे आएंगे। सुबह 9 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। 8 चरणों में हुए चुनाव में करीब 51% वोटिंग हुई। काउंटिंग के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए आप किस तरह से यहां पर आज कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजे आएंगे और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि डीडीसी चुनाव की जो नतीजे हैं वो आज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुपकार गैंग का जो खुलासा हुआ था, जो बौखलाहट सामने आई थी, उस हंगामे को जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा, जो देश विरोधी गतिविधियां होती है जम्मू कश्मीर में उसने भी जनता को देखा। और चलिए सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी प्रत्युष जुड़ चुके हैं। प्रत्युष, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? थोड़ी देर में बस गिनती शुरू हो जाएगी। देखिए, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मतपेटियां खुलेंगी और उसके बाद वो बताएंगे कि आखिर इस डीडीसी के चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने किसके सिर पर ताज पहनाया है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और मैं इस वक्त गांधरबल में एक काउंटिंग सेंटर के बाहर हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 9 बजे यहाँ पर मतपेटियां खुलेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया। जितने कैंडिडेट्स हैं या फिर उनके सपोर्टर्स हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पर आ रहे हैं। जरा कुछ लोगों से मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। आप जी, आप यही गांधरबल से? जी जी। ये एक भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट अच्छा करने वाले हैं। जी जी। रीजन? हम लोग को ये अभी तक हमारा भी एक कैंडिडेट उठ गया था इंडिपेंडेंट का, तो इंशाल्लाह मेरा पूरा उम्मीद है जीत के आएगा। इंडिपेंडेंट है? हाँ, इंडिपेंडेंट है, वो जीत के आएगा इंशाल्लाह, लोगों का काम करेगा। विक्रम जरा इधर आइए भाई साहब। अच्छा, ये बात नहीं करना चाह रहे हैं, ये बात नहीं करना चाह रहे हैं। आप लोगों में से कोई भाई साहब? हाँ, ये अंदर कैंडिडेट्स किसी पॉलिटिकल पार्टी से? अच्छा 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 अच्छा, देखिए यहाँ पर अभी कई लोग, यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता धन्यवाद करती है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाएगा और पूरे देश का पंचायती राज कानून जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा। और आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनाव करवाकर सही मायनों में लोकतांत्रिक मान्यताओं को, मूल्यों को जम्मू कश्मीर में स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करती है, आभार व्यक्त करते हैं मोदी साहब का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को उनका हक दिया, उनके साथ इंसाफ किया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के इन जिला परिषद चुनावों में पूरी ताकत के साथ हमने ये चुनाव लड़ा है। जम्मू संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में बम्पर वोटों के साथ जीतेगी। कश्मीर घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। जम्मू संभाग के अंदर 70 से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी और वहीं कश्मीर घाटी में जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित 30 से 40 आजाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कश्मीर घाटी में जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहली बार हो रहे जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनावों में बम्पर वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 6 साल जो काम किए गरीब जनता के, जम्मू हो, कश्मीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला हो, पुरुष हो, समाज के हर वर्ग का विकास और समाज के हर वर्ग की चिंता नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने की है और उसका परिणाम आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी और कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित आजाद उम्मीदवार जीतेंगे और जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी 70 से 80 के बीच में सीटें जीतकर अपना झंडा बुलंद करेंगे। सर, द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट एवर डीडीसी इलेक्शन इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड, द काउंटिंग विल स्टार्ट सून। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीजेपी? देयर वाज लॉट ऑफ कैंपेनिंग बाय वेरी स्टार कैंपेनर्स फ्रॉम बीजेपी। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस सर? द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर are highly and highly thankful to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi Sahab, for holding the first time District Development
काउंसिल इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर लॉस। श्रीनगर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और देखिए मेरे पीछे मैं बोर्ड आपको दिखाऊं, इस वक्त मैं SKICC पे मौजूद हूं, शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, ये वही जगह है और अंदर ये वही सेंटर है जहां पर इस वक्त DDC के वोटों की गिनती लगातार जारी है। और देखिए बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इस बार का जो चुनाव रहा है DDC का वो हुआ है। मैं चाहूंगी सूरज को बोलूंगी कि आप यहां पर जो सिक्योरिटी अभी टाइट है उसकी तस्वीरें आप दिखाइए। हालांकि देखिए पूरे कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने के बाद अब जबकि कुछ एक सेंटर्स के ऊपर काउंटिंग चल रही है तो वहां पर व्यवस्था सुचारू रखना, वहां पर सिक्योरिटी टाइट रखना, वहां पर कोई असामाजिक गतिविधि ना हो ये रोकना कंपेटिवली ज्यादा आसान है। लेकिन सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यहां पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त है। देखिए कुल वोटों की संख्या की अगर मैं बात करूं, आप लगातार ये सेंटर की तस्वीरें दिखाते रहिए क्योंकि अंदर जाने के लिए भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कड़ी है और लगातार चेकिंग चल रही है। कुल वोटों की गिनती की अगर मैं बात करूं 30 लाख वोट हैं जिनकी गिनती DDC के अभी काउंटिंग जो चल रही है उसके अंदर होनी है और इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो 30,000 वोट हैं इनकी गिनती में दोपहर का तो वक्त लगेगा ही। ये हो सकता है कि कुछ एक जगहों पर इसमें शाम भी हो जाए, मतलब 3 से 4 बच सकते हैं ये पूरे वोटों की गिनती कराने में। और सबसे खास ये है कि बीजेपी यह दावा कर रही है कि कमल कश्मीर के अंदर खिलेगा। देखिए मैं मेरे सहयोगी प्रत्युष का भी रुख कर लेती हूँ क्योंकि प्रत्युष इस वक्त गांदरबल में मौजूद है और वहां की क्या स्थिति है ये आप तक प्रत्युष पहुंचाएंगे। प्रत्युष ओवर टू यू। जी देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 9 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही कुछ कैंडिडेट सपोर्टर्स आने शुरू हो गए, जानना चाहते हैं कि आखिर बैलेट बॉक्स से क्या कुछ निकलने वाला है। ये बार बार लोग ये कह रहे हैं कि गांदरबल में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा नहीं चलेगा, इंडिपेंडेंट की बहुत बात हो रही है यहाँ पर। हाँ जी इंडिपेंडेंट बहुत सारे लोग उतरे हैं मैदान में और लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया है। ये पिछली जो सियासी पार्टियां रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP कांग्रेस ये तो पुरानी पार्टियां हो चुकी थी जिनने लोगों को धोखा दिया। तो पुरानी पार्टियों से मुंह क्यों भंग हो गया? हो गया कि उनने किया ही नहीं है कुछ। अच्छा जम्मू कश्मीर में जितने भी फंड्स आए घर में ले गए सब इनके आए ने। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट इन पे विजिलेंस लगा दे कि इनकी प्रॉपर्टी आई कहाँ से। गवर्नमेंट जब जांच बैठाती है तो कहते हैं कि हमें जानबूझकर टारगेट नहीं जी इनने लूट किया है। नए लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए, यूथ को सपोर्ट करना चाहिए। इनको देखो इनने लाई कहाँ से ये प्रॉपर्टी, लोगों का खून चूसा है। लोग अब चाहते हैं कि नए कैंडिडेट सामने आए, गवर्नमेंट को भी नए कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए और इनको देखना चाहिए ये पैसा लाया कहाँ से। ये लोगों का खून है, दिल्ली वालों को देखना चाहिए कि ये इतने अमीर कैसे बने। रातों रात जादू की छड़ी इनके हाथों में तो नहीं है। दिल्ली से पैसा इन लोगों ने खाया, गरीब आवाम वही पड़ा है। देखे इनके पास गाड़ियां, हम पैदल आए कहाँ से ये गाड़ियां। इनको देखना चाहिए को इनने पैसे लाए कहाँ से और नए लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा जो ये होते हैं ये इस बार आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मेन फैक्टर मुद्दा अगर मैं कहूँ तो वो क्या रहा? वो रहा हम जनाब चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट करें और जो भी मामले होंगे वो सामने लाए। इनने डेवलपमेंट इनने कहा है ये तो गुफकार जो गुफकार अलायंस बार बार 370 पर फोकस बताना चाहता हूँ। ये जो कहते हैं कि 370 ये जो कहते हैं वो कि सरपंच वापस ला सकता है, पंच वापस ला सकता है। जब फारूक अब्दुल बैठे हैं उधर पार्लियामेंट में उसने बात क्यों नहीं की, उधर उसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो क्या पंच वापस ला सकता है? DDC को पावर है वो वापस ला सकता है? झूठ कहते हैं हमसे, लेकिन अब कश्मीरी आवाम वो झूठ सुनने के लिए तैयार नहीं है, डोंग सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि DDC के जरिए वो अपने राइट्स कैंडिडेट्स अपने पास रखेंगे जो ईमानदार और निष्पक्ष का होगा? ईमानदार निष्पक्ष तो वो दूसरी बात है, लेकिन जो है लोगों को धोखा देते 370 को वापस लाएंगे ये तो झूठ है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा। ये अल्ताफ बुखारी साहब भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। ये तो अगर मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा था ये
गुप्कार अलायंस का कितना काम किया, वर्क किया या नहीं किया? कहा किया? 370, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं, आप यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं। अपनी सीट बचाने के लिए 370 को कहते हैं कि हम सब बचाएंगे, कैसे बचाएंगे जरा दिखाए, जरा दिखाए हम लोगों को कैसे बचाएंगे। लोगों के लिए ये कोई इशू, कोई मुद्दा नहीं, कोई इशू नहीं, डेवलपमेंट चाहते हैं, जाते हैं डेवलपमेंट, और क्या, लेकिन हमें चाहते हैं 370 भी चाहते हैं, वो हमारी जाती राय है, वो हमारा हमारा हक है, वो हमारे दिलों में है, वो कोई हमसे चीज नहीं सकता। सबसे पहले आप सुने 370 हमारे दिलों में है, कागजी कोई ले जाए उससे क्या होगा, वो तो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में है, वो तो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। आप जितने भी बाहर का हो कि ले जाए, युद्ध भी चाहे, वो अब होगा टेबल पर, अब टेबल पर होगा, हिंदुस्तान हमें देगा कि नहीं देगा, लेकिन ये गुफकार वाले जो झूठ कहते ये नहीं चलेगा। थैंक यू। तो ये देखिए यहाँ पर जो तीन चार लोग जिनसे हमने बातचीत की में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कम से कम, एक ने कहा 6-7, एक ने कहा 8-9, 14 सीटों में से 8-9 इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं। जब बार बार मैंने यही मैं कह रहा हूं कि अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है, तो जो बात ये लोग कह रहे हैं, अभी बैलेट बॉक्स खुले नहीं है, उसके पहले जो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस बार यहां दबदबा नहीं चलने वाला है, यहां पर वही जीत करके आएगा जो ईमानदारी से और नेक नियति से यहां पर काम करेगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ठीक है 370 का मसला अलग है, लेकिन डेवलपमेंट लोग चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और जो हमें वो देगा उसी के हाथ में हम जीत की बागडोर सौंपेंगे। शालिनी श्रीनगर से मौजूद है, मैं उनका भी रुख कर लूंगा। शालिनी, ओवर टू यू। बिल्कुल, और प्रत्युष देखिए, जैसा आपने बताया 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू होने वाली है, उसके पहले का जो कार्यक्रम है वो मैं थोड़ा बता दूं। देखिए, चूंकि बैलेट से इस बार वोटिंग हुई है और गिनती होनी है वोटों की, तो एक प्रोटोकॉल होता है कहां से किसने किस जगह पर वोट डाला है वो पता ना चल सके, इसलिए जब बैलेट एक बार खुलेगा तो उसको पूरा आपस में मिलाया जाएगा, वो जो वोट रहने वाले हैं, वो जो बैलेट रहने वाले हैं, उन्हें आपस में मिला दिया जाएगा। ये करने का मकसद ये रहेगा कि एक फेयर सिस्टम लोगों के सामने आ सके और इस तरह से यहां पर वोटों की गिनती शुरू हो पाएगी। इधर आप देखिए, कश्मीर की हसीन वादियां आपको दिखाई देंगी, श्रीनगर की जो वादियां हैं वो इस तरफ से आपको दिखाई देंगी, और इसी ठंड के अंदर सुबह 7 बजे से जो मतदाता थे, जो 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 वोटर्स थे, वो लाइन में खड़े होकर के वोटिंग के लिए हमें दिखाई दिए थे, और इसलिए हमें लगा कि जब इतनी ठंड में वो सुबह सुबह बाहर निकल करके घरों से वोट डालने के लिए आए, तो फिर जी हिंदुस्तान को भी मुस्तैद रहना पड़ेगा इस ठंड में। इस ठंड में तमाम जो बड़े लोग थे, जो दिग्गज थे, उन्होंने भी पसीना बहाया लोगों के वोटों के लिए। देखिए, कुल तकरीबन 20 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है इस DDC के चुनावों में, और उन सब के ऊपर तो नजर रहने वाली है। लेकिन देखिए, जितना आक्रामक रवैया इस बार हमने BJP का देखा, वो आक्रामक रवैया हमें गुपकार अलायंस का नहीं दिखाई दिया है। इसके पीछे एक मकसद, क्योंकि कल भी BJP के नेताओं से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा कि हम किसी भी चुनाव में अपनी पूरी जान झोंकते हैं, कोई भी चुनाव हमारे लिए छोटा या फिर बड़ा नहीं रहता है। ये आप देखिए, SKICC जिसके बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और इसी का देखिए एक बोर्ड इधर भी लगा हुआ है, वो भी हमें दर्शकों को दिखाना चाहिए, क्योंकि SKICC इसके नीचे लिखा हुआ है वेयर द वर्ल्ड मीट्स, और यहीं पर आज हर कोई मिलने वाला है, हर किसी की नजर रहने वाली है प्रत्युष, न सिर्फ कश्मीर की, पूरे देश की, पूरे भारत की, क्योंकि 370 खत्म होने के बाद कश्मीर के अंदर ये पहला इलेक्शन है, पहला चुनाव है, और इसी के साथ 370 जब से खत्म हुआ है ये पहला इलेक्शन है जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ है, कोई आतंकी गतिविधि नहीं हुई है, बिल्कुल शांति के साथ एक अमन पसंद कश्मीरी ने वोट किया है DDC के अंदर। प्रत्युष, आपका मैं रुख कर रही हूँ, प्रत्युष जो कि गांधरबल में इस वक्त मौजूद है, प्रत्युष क्या स्थिति वहां की है, जरा वो भी आप दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, सुबह का वक्त और ठंड बहुत ज्यादा, शालिनी देखिए कल से हम लोग हैं और रात को -2 से 3 डिग्री चला गया था, अभी भी टेम्परेचर में बहुत ज्यादा सुधार नहीं, 2 से 3 डिग्री। और ये देखिए, ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये काउंटिंग सेंटर की तस्वीर है, ये गांधरबल में, और ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पर 9 बजे के आसपास जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तब फिर ये चीजें निकल कर सामने आएंगी। EVM नहीं है कि जल्दी नतीजों की हम उम्मीद की जाए, बैलेट पेपर है, उनको गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा, फिर रिकाउंट किया जाएगा, और जैसा कि चुनाव आयोग ने भी यहाँ पर कहा है कि हर चीजें उस बिल्कुल मुकम्मल तरीके से होंगी, पारदर्शी तरीके से होंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी ताकि कोई शक सुबह ना हो। और सबसे अच्छी बात जो है, जो सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आकर के हमने महसूस किया कि जितने लोगों से भी हमने बात की, हमने कहा ये बार बार जो गुपकार अलायंस और बाकी 370 का इशू है या 370 का मुद्दा उठाते रहे, क्या वाकई में ये है क्या? उन्होंने कहा,
उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट हम अब बिल्कुल पक चुके हैं, थक चुके हैं राजनीतिक पार्टियों के वायदों से। हमें डेवलपमेंट चाहिए और जो देगा हम जीत की कुंजी उसे सौंपने जा रहे हैं। तो वाकई में जो बार बार जी हिंदुस्तान कह रहा है ग्राउंड जीरो से, जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक नया बदलाव है ये DDC का चुनाव जो आज बताएगा कि कश्मीर की आवाम क्या चाह रही है। हमारे साथ खालिद हुसैन भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। खालिद, ओवर टू यू। प्रीतिश, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं शेरी कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में हूं जहां श्रीनगर का पोलिंग सेंटर रखा गया है और काफ़ी जोश यहां पर देखने को मिल रहा है। लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद यहां पहुंच रहे हैं और अगर हम कश्मीर के राजनीतिक स्थिति की आज की बात करें तो आज जो मुकाबला है वो पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन और BJP के बीच है और BJP ने इस इलेक्शन में पूरा जोश डाल दिया है, पूरी जान फूंक दी है, क्योंकि एक महीने से जो प्रचार BJP ने किया है ऐसा किसी दल ने जम्मू कश्मीर में नहीं किया है। खासकर कश्मीर की बात करें तो जो उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन शहनवाज हुसैन हैं वो लगातार एक महीने से यहाँ कैंप कर रहे थे और कश्मीर के हर कोने में जाकर उनने रैली की है और मैंने भी ये 8वां चरण जो है खुद कवर किए हैं और हर जगह हमने देखा है कि मेनली लोग जो है विकास, बेसिक कम्युनिटीज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव ही हैं कि एक डेवलपमेंट ऑन टू द डोर स्टेप ऑफ ए कॉमन पीपल, एक आदमी के दरवाजे तक विकास को पहुंचाने की बात की गई है इन चुनावों में। और ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज़ादी के बाद से ये ज़िला विकास परिषद के पहले चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और 370 के बाद एक बड़ा चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि कहीं पे कोई हिंसक वारदात जो है कश्मीर घाटी में नहीं हुई, जैसा कि पहले यहाँ विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते थे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती थी, कहीं ना कहीं कई चुनावों में बहुत लोगों की मौत भी हुई है जो हमने कवर किए हैं, लेकिन इस चुनाव में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई भी बड़ी हिंसक घटना नहीं देखने को मिली, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को बड़े ही अच्छे तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SSB जो यहाँ तैनात किए गए थे उन्होंने निभाया और लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद मतदान करने आए हैं। सुबह 7 बजे जब यहाँ -6 -7 तापमान जाता था तो उसके बाद से जो है ये चुनाव बड़े ही अच्छे माहौल में हुए हैं। शाली, आप ओवर टू यू, अब आप बताइए कि क्या स्थिति है वहाँ पर। बिल्कुल, मैं श्रीनगर का जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर इस वक्त मौजूद हूं और देखिए लगातार गाड़ियां अंदर जा रही हैं, हम देख पा रहे हैं लगातार चेकिंग हो रही है और क्योंकि 9 बजे से काउंटिंग है तो अभी उसके पहले की जो व्यवस्था है वो यहां पर लगातार सुचारू रूप से होते हुए हम देख पा रहे हैं। किसी को भी जब तक 3-layer 4-layer चेकिंग नहीं हो जा रही है अंदर भेजा नहीं जा रहा है और देखिए इन तस्वीरों के ऊपर तो हमारी नजर रहेगी, इसके अलावा वो दिग्गज चेहरे जो इस बार किस्मत आजमा रहे हैं उनके ऊपर भी हमारी लगातार नजर रहने वाली है और क्या क्या चुनावी नतीजे आते हैं ये जरूर हम आप लोगों को दिखाएंगे। सूरज, उधर तक आप दिखाइए क्योंकि देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस आपको चारों तरफ यहाँ निगरानी करते हुए और पहरेदारी करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी और इसी के साथ साथ हर किसी को इंतजार है कि 9 बजे बैलेट की गिनती उसी के साथ शुरू हो जाएगी। देखिए कुल 280 सीटें हैं, 10 जिले कश्मीर के, 10 जिले जम्मू के और हर एक जिले में 14 सीट है। इस लिहाज से कुल 280 सीट है जिनका रिजल्ट आना है। 2 दर्जन पूर्व मंत्री, विधायक, MLC इन सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे। कुछ बड़े नाम भी इसमें हैं। इसमें पूर्व राज्यसभा सदस्य त्रिलोक सिंह बाजवा हैं, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताज मोइनुद्दीन जी हैं, इसके अलावा एजाज अहमद है, शब्बीर खान है, तमाम ऐसे बड़े नेता है, भाजपा के पूर्व विधायक प्रोफेसर गारू राम भी है। इन तमाम चेहरों के ऊपर तो देखिए हमारी नजर रहने वाली है ही, लेकिन तस्वीर भी लगातार SKICC के बाहर की मेरे कैमरा पर्सन सूरज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और देखिए इन चुनावों से लोगों को तो उम्मीद है ही, भाजपा को भी बहुत ज्यादा उम्मीद इन चुनावों से है, भाजपा को भी बहुत ज्यादा उम्मीद है, आम लोगों को उम्मीद है क्योंकि ये विकास का चुनाव हुआ है, ये कश्मीर के आगे बढ़ने का चुनाव हुआ है और इसी के साथ पूरे देश की नजर इन चुनावों के ऊपर
और लगातार इससे जुड़ी हुई हर खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। इसके पहले के जो चुनाव हुए उसमें हमने मत प्रतिशत इतना ज्यादा नहीं देखा है, तकरीबन 50% वोटिंग इस बार हुई है। ऊपर तक वो जो काउंटिंग सेंटर है, क्योंकि देखिए ये एक होटल है और उसके ऊपर तक की पूरी तस्वीर जूम करके आप दिखाइए, ये पूरी तस्वीर आप तक हम दिखा रहे हैं। कश्मीर की फिजा खूबसूरत है, कश्मीर खूबसूरत है, यहाँ के लोग बेहद खूबसूरत है, शांत है, और मुझे लगता है इन चुनावों के साथ ही अब वो खूबसूरती यहाँ का लोकतंत्र और ज्यादा स्थापित यहाँ पर कर पाएगा, जो अशांति, जो अमन चैन अभी तक नहीं मिला था कश्मीर को, इन चुनावों के साथ वो भी अब मिल जाएगा। तो इस खूबसूरत कश्मीर की इस खूबसूरत फिजा में और ज्यादा खूबसूरती आज इस काउंटिंग के बाद जुड़ने वाली है। जीत होगी, हार होगी, किसकी होगी, ये बात की बात है, लेकिन लोकतंत्र इन चुनावों के साथ ही जीत गया। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना पड़ रहा है, होंगे फौरन हाजिर, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।